हेलो एंड वेलकम टू पूर्वाज किचन। आज की हमारी रेसिपी है हेल्दी एप्पल क्रम्बल, जो कि बनाने में बहुत ही इजी होने के साथ साथ हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बहुत ही सूटेबल रेसिपी है। आइए बनाना शुरू करें। इसके लिए सबसे पहले हमने 2 कप्स रोस्टेड ओट्स लिए, जो कि हमने पैन में डाल के ड्राई रोस्ट कर लिए थे। अब इसके अंदर 3.5 टेबल स्पून जैगरी पाउडर ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। हमने चीनी की जगह जैगरी पाउडर यूज किया। अब इस मिक्स में 1 टेबल स्पून रोस्टेड एंड स्लाइस्ड आमंड्स ऐड कर दिए। अच्छे से मिक्स कर लिया। 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर ऐड कर दिया। 1/4 टीस्पून नटमेग या जायफल ऐड कर दिया। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर दिया और 1 टेबलस्पून हमने हनी ऐड कर दिया। आप उसकी जगह मेपल सिरप भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम एक एग डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हमें एप्पल ऐड करने हैं, जो कि हमने 2 एप्पल लिए विद स्किन, उनको डाइस करके कोल्ड वाटर में सोक करके रखा था 1 लेमन का जूस डाल के। इसको अब हम ड्रेन करके इस मिक्स में ऐड कर देंगे। लेमन इसलिए डाला है ताकि एप्पल ब्राउन ना हो। अब एक बेकिंग डिश लेके उसको हम वेजिटेबल ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर देंगे और 1.5 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल इस मिक्स में ऐड कर देंगे। अब हम इसको बेकिंग ट्रे में शिफ्ट कर देंगे। सारा मिक्स इसमें डाल के उसको हल्का सा प्रेस करके लेवल कर देंगे। अब ये बेक होने के लिए रेडी है। अब एक प्री हीटेड ओवन में इसे बेक होने के लिए रख देंगे। देखिए हमारा एप्पल क्रम्बल रेडी है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब आप इसे सर्व कीजिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए, या एक टी टाइम स्नैक के लिए, या हेल्दी डेजर्ट में वनीला आइसक्रीम के साथ या फ्रेश क्रीम के साथ। आप कैसे भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।